समृद्ध संख्या, इसके अंतर्गत कल हमने अध्ययन किया था समृद्ध संख्याओं के गुण धर्म के बारे में। समृद्ध संख्या में कौन कौन से गुण धर्म होते हैं, योग के लिए और गुणन के लिए। आज हम अध्ययन करेंगे मापांक, समृद्ध संख्या का मापांक, और समृद्ध संख्या से संबंधित सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मापांक क्या होता है। किसी समृद्ध संख्या का मापांक का अर्थ क्या है। हमारे पास एक समृद्ध संख्या है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसका जो मापांक होता है वो वास्तविक और अधिकल्पित भाग के वर्गों के योगफल का धनात्मक वर्गमूल। कहने का मतलब ये है, इसका मापांक को हम ये इससे दर्शाते हैं, दो खड़ी लाइन लेते हैं उसके बीच में लिखते हैं इसको जेड को। इस समृद्ध संख्या का मापांक क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, वास्तविक भाग x कौन सा भाग है, वास्तविक है, y कौन सा भाग है, अधिकल्पित। वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग के वर्गों के योगफल का धनात्मक वर्गमूल। आप जानते हैं कि वर्गमूल में दो चिन्ह होते हैं, धन और ऋण, तो हमको कौन सा वर्गमूल लेना है, इसमें धनात्मक वर्गमूल, इसलिए यहाँ पे हमने खाली धन ही लिखा है, कोई साइन नहीं। इसका तात्पर्य किससे है, प्लस से है, धन से है। ये हो गया हमारा, इसका मापांक हो गया किसका, ये समृद्ध संख्या का मापांक हो गया, इसके वास्तविक और अधिकल्पित भाग के वर्गों के योगफल, वर्गों के योगफल का धनात्मक वर्गमूल, ये होता है इसका समृद्ध संख्या का मापांक। मान लो हमारे पास समृद्ध संख्या है z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, ये समृद्ध संख्या है, तब इसका मापांक क्या होगा, इसका मापांक हो जाएगा, इसको हम मॉडुलस रीड करते हैं, मॉड ऑफ जेड, जेड का मापांक बराबर ही हो जाएगा, एक्स के स्थान पे क्या है, एक्स ही है, वास्तविक भाग का वर्ग, धन क्या होता है, अधिकल्पित भाग का वर्ग, किसका वर्ग, अधिकल्पित भाग का वर्ग। तो अधिकल्पित भाग में क्या है, माइनस वाई है, माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमें प्राप्त होगा वर्गमूल एक्स वर्ग प्लस, माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई, प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया इसका, ये समृद्ध संख्या का मापांक। हम कुछ संख्यात्मक उदाहरण लेते हैं, z बराबर 3 धन 4 i, ये हमारे पास एक समृद्ध संख्या है, इसका हमें मापांक लेना है, इसका मापांक हो जाएगा z का मापांक मॉड ऑफ z, इसको हम इस तरह रीड करते हैं मॉड ऑफ z, z का मापांक बराबर, ये क्या हो जाएगा, वास्तविक भाग का वर्ग, वास्तविक भाग में कितना है, 3, 3 का वर्ग हो जाएगा, धन अधिकल्पित भाग का वर्ग, अधिकल्पित भाग में संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, ये 4 का वर्ग, तो ये हमें मिलेगा वर्गमूल 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल हमें क्या मिलेगा, 5, ये हो गया समृद्ध संख्या का मापांक।
अब हम समरी संख्या से संबंधित कुछ सवाल लेते हैं। पहला सवाल है आई की घात 28, इसका हमें मान ज्ञात करना है। हम किसका मान जानते हैं? आई स्क्वायर का मान जानते हैं। आई स्क्वायर का मान क्या होता है? इसका मान होता है -1। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, आई स्क्वायर की घात 14, ताकि यहाँ पे हम आई स्क्वायर का मान रख सकें। ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर का मान कितना है? -1। -1 की घात 14। और हम ये जानते हैं कि किसी भी ऋणात्मक राशि की घात अगर सम संख्या हो तो उसका मान क्या आता है? धनात्मक। तो ये हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? ये धन का 1 प्राप्त होगा, क्योंकि जब 1 को हम कितने बार भी गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। और चूंकि यहाँ पे जो ऋणात्मक राशि है इसकी घात क्या है? सम संख्या है, तो इसका मान हमें क्या मिलेगा? धनात्मक मिलेगा, धन 1। तो हमको इस तरीके से अरेंज करना है कि उसमें आई स्क्वायर आ जाए, ताकि हम आई स्क्वायर का मान यहाँ पे रख सकें। दूसरा सवाल लेते हैं हम, आई की घात ऋण 37। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे करते हैं? पहले इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, 1/ आई की घात 37। नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इसमें आई स्क्वायर आ जाए। इसको हम ऐसा लिखते हैं, 1/ ये हो जाएगा आई स्क्वायर की घात 18, 18 × 36, ये आई की घात कितना हो गया? 36 हो गया। अब इसमें इनटू क्या करेंगे? आई, ये हमारा क्या बन जाएगा? आई की घात क्या बन जाएगा? 37। जैसे आई की घात, जैसे एक्स की घात 4 है, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं ना, एक्स की घात 3 / एक्स की घात एक्स की घात 4। अब ऐसा लिखने का कारण आप यहाँ पे समझ रहे हैं, किस कारण लिख रहे हैं ऐसा? हम आई स्क्वायर के वैल्यू हम पुटअप कर सके, रख सके, ताकि इसका हम हल ज्ञात कर सके। आई स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1। आई स्क्वायर बराबर होता है -1 होता है। तो ये हो जाएगा 1/ आई स्क्वायर -1 की घात 18 इंटू आई। 1 की घात कितना भी हो हमें 1 ही प्राप्त होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऋणात्मक राशि है, अगर ऋणात्मक राशि की घात क्या हो? सम संख्या हो, तो हमें मान धनात्मक प्राप्त होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/1 × i। और ये हो जाएगा हमारा 1/i।
हमारा जो सम्मिलित संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म वो इसका व्यापक रूप ये होता है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो हम क्या करते हैं इसको व्यापक रूप में लिखने के लिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम आई को नीचे से हटाना चाहेंगे, नीचे से हम आई को हटाना चाहेंगे तो ये कैसे हटेगा। हम क्या करते हैं ऊपर और नीचे में अंश और हर में, अंश और हर में हम आई का गुणा कर देते हैं, अंश और हर में आई का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू आई अपान आई इंटू आई, ये हो जाएगा हमारा आई आई इंटू आई आई स्क्वायर। आई आई स्क्वायर माइनस वन तो ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस वन को आप ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं माइनस वन को, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस आई माइनस आई। पहले हमने क्या किया इसको आई स्क्वायर पूरे की घात 18 इंटू आई लिखा, ये आई आई की घात 37 को ही रिप्रेजेंट कर रही है। आई स्क्वायर का मान कितना होता है ऋण एक होता है, हमने यहाँ पे ऋण एक लिख दिया। अब ऋण एक की घात 18 ये हमें कितना प्राप्त होगा धन एक प्राप्त होगा, ऋणात्मक राशि की घात सम संख्या होने पे हमें धनात्मक मान प्राप्त होते हैं। ये आई वन अपान वन इंटू आई वन अपान वन इंटू आई और ये हो गया वन इंटू आई क्या हो जाएगा आई, तो ये हमें मिला वन अपान आई। और हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए व्यापक रूप में लिखने के लिए हमने क्या किया ऊपर और नीचे आई का गुणा कर दिया। समान राशि से हम गुणा करते हैं अंश और हर में तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस प्रॉपर्टी को लगा के हमने ऊपर और नीचे आई का मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा कि नीचे से आई हट जाएगा, ये आई स्क्वायर बन जाएगा, आई स्क्वायर जब बनेगा तो आई स्क्वायर के हम वैल्यू डाल देंगे, इसलिए हमने ऐसा किया ताकि उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यापक रूप में ले सके, आई को हम ऊपर शिफ्ट कर सकें। और ये हो गया आई स्क्वायर के वैल्यू क्या हो गया माइनस वन, तो आई अपान माइनस वन और ये माइनस वन को हम ऊपर लिख सकते हैं तो ये हो गया हमको क्या मिला, और वन नीचे में रहेगा तो उससे डिवाइड करोगे तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ना है तो ये हो गया माइनस आई इसका आंसर। सम्मिलित संख्या का संयुग्मी, संयुग्मी सम्मिलित संख्या का संयुग्मी क्या होता है हम इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं तो भी मैं इसको थोड़ा संक्षिप्त रूप में ले रहा हूं। ये कोई हमारे पास सम्मिलित संख्या है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अब इस सम्मिलित संख्या का हमें संयुग्मी बताना है तो संयुग्मी के लिए हम क्या करते हैं अधिकल्पित भाग का चिन्ह को बदलते हैं, अधिकल्पित भाग का चिन्ह हम विपरीत लेते हैं, प्लस है तो क्या लेंगे माइनस, माइनस है तो
प्लस किसका? अधिकल्पित भाग का, इमेजिनरी पार्ट का। और ये ऊपर ये जैसे ये जेड बार इस संयुग्मी के लिए लगा देते बार, जेड बार, ये क्या बता रहा है? समरिक संख्या जेड का संयुग्मी को बता रहा है। ये एक्स, ये साइन चेंज करोगे अपोजिट, प्लस का क्या लोगे? माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस। इसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, माइनस आई वाई, ये हो गया इसका समरिक संख्या का संयुग्मी। अब इससे संबंधित कुछ सवाल हम लेते हैं, संयुग्मी से संबंधित। जैसे हमें एक संख्या दिया है शून्य, शून्य का हमें संयुग्मी निकालना है। तो संयुग्मी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, व्यापक रूप में लिखेंगे। तो शून्य को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, शून्य धन i इंटू शून्य, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। ये शून्य ही है लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, समरिक संख्या के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि संयुग्मी जब हम निकालते हैं तो कौन सा साइन चेंज करते हैं हम, अधिकल्पित भाग का साइन हम अपोजिट लेते हैं। ये इस तरीके से हमने लिख दिया। तो अब इसका संयुग्मी, शून्य का संयुग्मी, ये समरिक संख्या है, ये संयुग्मी, शून्य का संयुग्मी जीरो, और ये हो जाएगा इसका हम साइन अपोजिट लेंगे, माइनस माइनस आई इंटू जीरो। लेकिन जब इसको आप हल करोगे, तो ये क्या मिलेगा, ये आप आखिर आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। जीरो माइनस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो शून्य का संयुग्मी क्या होगा, शून्य ही होगा। लेकिन आपको अगर परीक्षा में प्रश्न अगर मिलता है तो आप इस तरीके से हल करिए, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए फिर उसका संयुग्मी लीजिए, उसको दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। एक का हम संयुग्मी निकालते हैं, एक का संयुग्मी। एक को हम समरिक संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, व्यापक रूप में, एक धन i इंटू क्या हो जाएगा, जीरो। आखिर ये क्या है, एक ही है लेकिन हमने उसको किस रूप में लिखा, समरिक संख्या के व्यापक रूप में लिखा, क्योंकि हमें संयुग्मी निकालना है। तो संयुग्मी में आप जानते हैं कौन सा चिन्ह बदलता है, अधिकल्पित भाग का, इसलिए यहाँ पे हम दोनों भाग को दिखा रहे हैं कि भाई ये वास्तविक भाग है और ये अधिकल्पित भाग, हालांकि इसमें जीरो है लेकिन हमें ऐसा पूरे स्टेप्स हमको लिखने होंगे। अब एक का संयुग्मी, इसलिए संयुग्मी, इसका संयुग्मी, एक का संयुग्मी ये हो जाएगा एक, ये साइन इसका अपोजिट लोगे, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस आई इंटू क्या हो जाएगा, जीरो, वन, और ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। आखिर हमें क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, एक का संयुग्मी एक ही मिलेगा।
हम क्रमित युग्म के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, सामरिक संख्या का क्रमित युग्म। क्रमित युग्म इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जैसे हमारे पास एक सामरिक संख्या है 2 प्लस 3i, एक हमारे पास सामरिक संख्या है 2 प्लस 3i, इसका हमें इसको हमें क्रमित युग्म में लिखना है, एक पेयर के रूप में, जोड़ा के रूप में। हम क्या करते हैं, हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, पहले हम वास्तविक भाग को लिखते हैं फिर अधिकल्पित भाग को। वास्तविक भाग में नंबर कितना है, 2 है, और अधिकल्पित भाग में 3। ये छोटे ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिखा जाता है। ये भी सामरिक संख्या है, ये भी क्या है, सामरिक संख्या है। ये कहलाता है क्रमित युग्म, क्रमित युग्म। अब इसको इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सामरिक संख्या है 4 धन 5i, 4 धन 5i। अब इसको हमें क्रमित युग्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले वास्तविक भाग फिर अधिकल्पित भाग, छोटे कोष्टक में इस तरीके से उसको पेयर के रूप में ऐसा लिखा जाता है, वास्तविक भाग फिर अधिकल्पित भाग। ये सामरिक संख्या है। हमारे पास एक सामरिक संख्या है 6 ऋण 5। अब इसको हमें व्यापक रूप में लिखना है, व्यापक रूप आप जानते हैं, z = a + ib, a वास्तविक भाग और b अधिकल्पित भाग। तो ये क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म को हमें व्यापक रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, एक स्थान पे क्या है 6, एक स्थान पे क्या है 6 प्लस i, और b क्या है हमारा -5। तो ये हो जाएगा z = +(-) क्या हो जाएगा -6 - -5i, ये हो गया उसका व्यापक रूप हो गया। इस रूप में है उसको इस रूप में लिख सकते हैं, और इस रूप का इस रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा क्रमित युग्म से संबंधित कुछ सवाल हो गए। x + 2yi, ये हमारा एक सामरिक संख्या है, इसे हम क्रमित युग्म के रूप में कैसे लिखेंगे, वास्तविक भाग में x है, क्रमित युग्म में x वास्तविक भाग, फिर अधिकल्पित भाग i के साथ जो गुणा में है वो कौन सा भाग है, अधिकल्पित भाग है x 2y। ये हो गया इसका क्रमित युग्म हो गया। हम एक सवाल लेते हैं, इसमें हमें एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। ये आपके किताब से मैं प्रश्न ले रहा हूं। टू प्लस
कोष्टक में x प्लस वाई आई इज इक्वल टू 3 माइनस आई, इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। जहां पे i होता है मतलब वो कौन सी संख्या है, समरिक संख्या है, ये समरिक संख्या है, ये भी क्या है, समरिक संख्या है, दोनों समरिक संख्या है। और हम एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, हम समरिक संख्या का गुणधर्म के अंतर्गत हम यह जानते हैं कि जब दो समरिक संख्या आपस में क्या होती है, समान होती है, तो उसका वास्तविक भाग के बराबर होता है और अधिकल्पित भाग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये इसको हम पहले, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हम ये दोनों पक्षों को पहले हम a प्लस आई बी के रूप में पहले हम इसको लिखेंगे, दोनों पक्षों को पहले हम a प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे ताकि उसको हम तुलना कर सकें। दो समरिक संख्या जब आपस में बराबर होते हैं तो वास्तविक भाग के बराबर होता है और अधिकल्पित भाग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो जाएगा, इसको हम इज इम्प्लाइज दैट का अभिप्राय यह है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स, बिना आई वाला जो है वो वास्तविक भाग है, आई मतलब आयोटा, 2 प्लस एक्स प्लस वाई आई, ये कौन सा भाग हो गया, अधिकल्पित, ये वास्तविक, इस रूप में हम लिखना चाह रहे हैं उसको, लिखने जा रहे हैं उसको, ताकि हम उसको कंपेयर, तुलना उसको हम कर सकें। ये अब देखिए, इसमें हमें x और y के मान ज्ञात करना है। तो अब ये दो समरिक संख्या है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इस स्थिति में वास्तविक भाग को हम वास्तविक भाग के बराबर रखते हैं और अधिकल्पित भाग को अधिकल्पित भाग के बराबर रखते हैं। इज इम्प्लाइज दैट ये हमारा वास्तविक भाग, इसको हम अंग्रेजी में रियल पार्ट कहते हैं, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट जिसे हम हिंदी में इसको अधिकल्पित भाग कहते हैं, ये हमारा रियल पार्ट वास्तविक भाग और ये हमारा अधिकल्पित भाग इमेजिनरी पार्ट। तो ये इसके बराबर होगा, वास्तविक के बराबर और अधिकल्पित के बराबर, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। और क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए i का गुणांक कितना है यहाँ पे, y, i का गुणांक y, तो y बराबर, यहाँ पे i का गुणांक कितना है, माइनस वन, i का गुणांक माइनस वन है, यहाँ पे वन है ना, यहाँ पे वन है, माइनस वन, i का गुणांक माइनस वन। हमें x का मान निकालना है, इज इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3 माइनस वन, x इक्वल टू हो जाएगा 2, सॉरी यहां पे 3 माइनस 2, ये हो गया हमारा 1, y इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया x और y के मान। तो यहाँ पे हमें x का मान प्राप्त हुआ 1 और y का मान प्राप्त हुआ हमें ऋण 1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें इस तरीके से हल करना है।
अगला प्रश्न हम लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल i बराबर एक धन i बटा वर्गमूल 2, ये हमें सिद्ध करना है। इसमें हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, इसको लेके ये लाना थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा दिक्कत होगा, हम इसको लेके चलते हैं राइट हैंड साइड को। तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड 1 प्लस आई अपान अंडर रूट 2। जैसे 5 है, 5 को हम वर्गमूल 5 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ये 5 स्क्वायर क्या होगा, 25। अब 25 का वर्गमूल क्या मिलेगा, 5। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बस उसका हम फॉर्म चेंज कर रहे हैं, उसका रूप को बदल रहे हैं। मान तो वही रहेगा, मान वही रहेगा। 5 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये भी क्या है, 5 ही है। 5 का वर्ग मतलब 25, और 25 का वर्गमूल हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो वैसे कुछ यहां पे हमें करना है, यहां पे हम इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, अंडर रूट 1 प्लस आई होल स्क्वायर अपान 2। हमने क्या किया, केवल उसके फॉर्म को, उसके रूप को हमने बदला है, उसके रूप को हमने बदला है, मान वही है, बस लिखने का तरीका हमने क्या किया, चेंज किया है। अब भाई देखिए, 1 प्लस आई होल स्क्वायर, इसका जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस आई ही प्राप्त होगा, 1 प्लस आई प्राप्त होगा, स्क्वायर हट जाएगा, हमें 1 प्लस आई प्राप्त होगा। और 2 किसके अंदर है, वर्गमूल के, तो ये जो 2 है तो ये वर्गमूल में आ गया ना, ये वर्गमूल दोनों के लिए, अंश के लिए भी है और किसके लिए, हर के लिए। तो ये नंबर और ये नंबर में कोई चेंजेस नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, केवल बस उसका फॉर्म चेंज हुआ है, उसका केवल फॉर्म चेंज हुआ है, बाकी नंबर सेम है। इसका वर्गमूल निकालोगे तो 1 प्लस आई मिलेगा, और 2 तो हमारा वर्गमूल के अंदर ही है। अब इसको हम आगे हल करते हैं, तो आप सर्वसम्मिका जानते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, उसको यहां पे हम लगा देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर एक का वर्ग एक प्लस बी स्क्वायर आई का वर्ग प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 × 1 × i अपान 2 बराबर वर्गमूल 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस 1 रख दिए, 2 × 1 × i, ये हमें क्या प्राप्त होगा,
टू आई प्राप्त होगा अपॉन टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस इनटू माइनस, माइनस वन माइनस वन प्लस टू आई अपॉन टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये हमें मिलेगा अंडर रूट टू आई अपॉन टू, ये टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिलेगा अंडर रूट आई, हमें ये लाना था अंडर रूट आई। हमने क्या किया, हमने राइट हैंड साइड को लेके चला, राइट हैंड को लेके हमने क्या लाया लेफ्ट हैंड लाया, ये हो गया हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड। अगला प्रश्न लेते हैं हम, 9 प्लस 8 आई माइनस कोष्टक में 7 आई प्लस 3, इस प्रश्न में हमें इसको सरल करना है, सरल कीजिए, हल करना है इसको, सरल कीजिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, 9 प्लस 8 आई पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस 7 आई प्लस इनटू माइनस माइनस ये माइनस 3, इसमें आपको सीधा सीधा वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से जोड़ना है या घटाना है चिन्ह के अनुसार से जो भी होगा, और अधिकल्पित भाग को अधिकल्पित भाग से जोड़ना है या घटाना है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये वास्तविक भाग है, ये वास्तविक, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 प्लस ये हमारा अधिकल्पित भाग है। आप जानते हैं इसका योग और व्यवकलन पढ़ चुके हैं, वास्तविक भाग से जुड़ता है या घटता है, अधिकल्पित भाग से जुड़ता है या फिर घटता है। तो ये हम यहाँ पे ये ले लिए, वास्तविक अलग कर लिए, अधिकल्पित अलग कर लिए, तो 9 में 3 घटेगा कितना आएगा 6, और 8 आई में 7 आई गया तो कितना मिलेगा हमें आई 6 प्लस आई, ये इसका आंसर होगी। इस तरीके से हमें हल करना है। तो इसी के साथ आज की यह कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।